या कपड़े सारे गीले, वीरो गंदी बच्ची सारे कपड़े गीले हो, देखो क्रूलियां कपड़ों के ऊपर क्रूलियां करी जा रही चलो है। देखो लगी हाँ चला पता अभी, गंदी बच्ची चुप कर, इधर आ इधर आ इधर इधर आ, मेरी बेटी की काम देख लो क्या कर रही है। छापर उठाया, इसमें चीजें पड़ी हुई हैं, अब वो सारी सारी जूतियां वगैरह जो है ना उठा के बाहर फेंक दी, ये दे गर्मी की चप्पलें जो है ना वो पड़ी हुई हैं उसके अंदर, वो छापर उठा के ले आई है। मैंने अपने ये शूज निकाले हैं, देखो कितने गंदे हुए हुए हैं, इनको आज साफ वगैरह करते हैं, ये पहनना चाहिए, ये सारे खराब हो गए हैं और बार बार गीले हो जाते हैं, पानी फेंक देते हैं इसमें। और जैसे ही लाइट आई है हमारी गैस फुर हो गई, फुर हो गई गैस फुर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं सब ख्याल कर रही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक आप सबको जहाँ भी रखे खुश और आबाद रखे, हमेशा हंसते रहो तो बसते रहो। कि आज का व्लॉग जो है बहुत लेट शुरू कर रहे हैं क्योंकि सुबह से टाइम नहीं मिला, थोड़ा सा घर का काम था, कुछ बाहर का काम था, इस वजह से सुबह से काम पर लगे हुए थे तो आया तकरीबन ही थोड़ी देर ही हुई है, फिर व्लॉग बनाया ही नहीं, वैसे ही बैठे हुए हैं मुँह उठा के। और सर्दी तो बाहर इतनी है कि बंदा क्या बताए, कुछ हो नहीं सकता सर्दी का। तो ऐसे जाते हैं बाहर तो ऐसे आपके हाथ पांव ठंडे होते हैं, जैसे आप बर्फ़ बर्फ़ के पास फिर रहे हैं ऐसे ठंडे हो जाते हैं, क्या करें। अल्लाह पाक बारिश ही नहीं दे रहा, जब बारिश होगी तो ये कक्कर जो है वो जान छोड़ेगा, वरना वैसे तो नहीं जाएगा। कोई नहीं, अल्लाह पाक बेहतर करेगा, अल्लाह पाक जो भी करता है बेहतर ही करता है, देखते हैं क्या बनता है। साफ सुथरी जगह पर ये मेरे लिए एक किलो पड़ा हुआ है, मैंने ना 2 किलो लिए थे तो अभी मेरे लिए ये सिर्फ एक बचा हुआ है, बाकी सारे जो है ना सारे बच्चों ने खा लिए। अभी पता नहीं ये भी सही है कि नहीं, इसको छीलते हैं देखते हैं कैसा है, बाकी सारे बच्चों ने खा लिए। और बेगम ने बनाया क्या है, आलू, आलू बनाया तो मैंने कहा भाई आलू ही आलू नज़र आ रहे हैं और तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, फिर ऐसा करते हैं आलू वाला परौंठा ही बना लेते हैं। ओए रेहान मनो 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 क्या कर रही हो, तो बच्चे भी ना बहुत तंग करते हैं, ये छोटी सी है भाई इसके काम देख लो, वो फ्रिज के नीचे पता नहीं क्या पड़ा होगा, बार बार उसके पास जा रहे कि मुझे वो निकाल के दो। मनो इधर आओ मनो, बेहतरीन फातिमा को देखो क्या कर रही है, इसकी दांतियां निकल रही हैं और ये बहुत तंग कर रही है। और इसका बूंदा देखो बनाया हुआ था, इसने सारे अपने हाथों से बाल जो है ना पकड़ के इसको खींचती ही रहती है, निकाल देती है सारे बाल, मुँह में उंगली नहीं डालते, अभी नहीं मुँह में उंगली डालनी, इसकी तबीयत नहीं ठीक है इसलिए थोड़ा सा ना ये बहुत तंग कर रही। सुल्तान राई बना हुआ, सुल्तान राई, सुल्तान राई के बाल भी ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही है ना त्रीन फातिमा साहबा। माशाल्लाह मैंने अपनी बेटी को चिप्स ला के दे दिए क्योंकि ये वो फीड वगैरह तो करती नहीं है, बस यही है चिप्स है या रोटी है या दूध तो वैसे नहीं पीती, और बाकी की चीज़ें जो है वो इन्हें दे दी, जूस वगैरह और बिस्किट चाय वो खाती है अभी बस। बहुत पारिशी बेटी, बहुत पारिशी बेटी, एक इधर खड़ी हुई है, ये भांजी है मेरी भांजी, इसके गाल देखो कैसे लाल हुए हुए हैं, हल्का हल्का बुखार है इस वजह से क्योंकि इसके दांत निकल रहे हैं ना अभी, तो इस वजह से। बेगम साहब इंतज़ार कर रही थी काफ़ी देर से, गैस आया तो मैं रोटियां बनाऊँ, अभी हल्की हल्की गैस आई है, बेगम साहब अभी रोटियां बना ले, मैंने कहा कि आलू वाला परौंठा मुझे एक बना के दे दो, बाकी सब कुछ सालन दे देना क्योंकि मेरा दिल कर रहा था आलू वाला परौंठा खाने का, बेगम अभी बनाने लगी है आलू वाला परौंठा, हाँ देखते हैं कितनी देर में बनता है, टाइम तो काफ़ी हो गया है, तकरीबन 8 बज गए हैं पूरे 8, तो अभी गैस आना शुरू हुई है, हल्की हल्की आना शुरू हो गया, मैंने कहा अभी आप ऊपर बना के रख दो तो आस्ता आस्ता जो है ना बन जाएगा पक जाएगा, क्योंकि गैस सिलेंडर तो आपको पता है वो बहुत महंगी पड़ती है, मजदूर बंदे के लिए वो भरवानी बहुत मुश्किल हो जाती है। कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, जल्दी बनता है तो फिर खाते हैं, देखते हैं कितनी देर में बेगम बना सकती है, गैस आती रही तो बन जाएगा, नहीं आएगी तो फिर
सिलेंडर भी पास रखा हुआ है, अगर गैस चलेगी तो फिर सिलेंडर इस्तेमाल होगा। चलो देखते हैं कितनी देर में बनता है। मेरा परोंठा बन गया अभी अल्हम्दुलिल्लाह, खाने लगे हैं। अब बेगम जो है वो रोटियां बना रही है। एक ही परोंठा बना है? क्यों एक और बनाना? किधर गई मनो, किधर गई? मैंने खड़ी हुई है। एक गंदी बच्ची ने, मैंने साबुन ला के रखा है नया तो वो निकाल के उसको खा रही थी। देख लो क्या कर रही है ये, या कपड़े सारे गिले। मीरो गंदी बच्ची, सारे कपड़े गिले हो, देखो करूलियाँ कपड़ों के ऊपर करूलियाँ करी जा रही है। चला पता अभी गंदी बच्ची। चुप कर, इधर आ, इधर आ, इधर इधर आ, चुप कर, इधर तो आ, इधर आ।